व्यंग रचना का शीर्षक है आलसियों के मसीहा। कभी कभी हम ऐसे नेता को चुन लेते हैं जो हमारे आलस्य को समाप्त कर देता है। माता पिता के द्वारा अनेकों कष्टों के झेलते हुए हमें पढ़ाया गया, फिर नौकरी और नौकरी मिलते ही कुर्सी तोड़ने लगे। हमें नौकरी में क्या करना है हमें ये तक नहीं मालूम होता। अगर मालूम भी हो जाए कि हमें अपने नौकरी में क्या करना है तो भी हम काम नहीं करते, क्योंकि सरकारी नौकरी में सैलरी अकाउंट में आ ही जाता है, काम हो या ना हो। आलस से हम नौकरी वालों को ऐसे घेर लेता है, या कहिए हम आलस्य के गले में पट्टा डाल खुद के शरीर से बांध लेते हैं कि हम चाहते हुए भी काम नहीं करते। और जब काम नहीं करते हैं तो खाली टाइम में राजनीति में दिमाग लड़ाते रहते हैं, और फिर हम राजनीति में नए प्रयोग करते हैं। अच्छी खासी चल रही सरकार को गिरा नई सरकार लाते हैं, क्योंकि इतिहास बदलाव चाहता है। दरअसल सरकार बदलते ही सबके आलस से दूर हो जाते हैं, क्योंकि सरकार पहली बार या बहुत दिनों बाद सत्ता मिलने पर एक्शन में होती है और तमाम सरकारी नौकरों पर आलस से हटा देती है। कुछ आलसियों को अपने काम करने को कहती है तो कुछ को नए काम भी थोप देती है। यही सिलसिला बस चलता रहता है, और वर्षों से बैठ कुर्सी तोड़ रहा अफसर मोहल्लों के चक्कर काटता नजर आता है। नई सरकार आते ही कुछ बदला हो या न बदला हो, अफसरों के आलस से जरूर दूर हो गए हैं।